नमस्कार दोस्तों, मैं मंडलीक मिश्रा आप सभी का एमिनेंट इंस्टीट्यूट के यूट्यूब चैनल में स्वागत करता हूं। आज हम बात करेंगे राष्ट्रमंडल खेलों के बारे में। पिछले लेक्चर में हमने दो पार्ट में ओलंपिक गेम्स के बारे में बात की। आज हम बात करने वाले हैं कॉमनवेल्थ गेम्स के बारे में। चूंकि कॉम्पिटेटिव एग्जाम में यहां से क्वेश्चन पूछे जाते हैं, कोई भी चाहे आप पीसीएस का एग्जाम दे चाहे वनडे एग्जाम दे, यहां से क्वेश्चन बनने की संभावना सर्वाधिक रहती है। चूंकि ये ओलंपिक के बाद ये भी बड़ा आयोजन होता है राष्ट्रमंडल खेल, और राष्ट्रमंडल खेल मुख्यतः राष्ट्रमंडल खेल में वो देश पार्टिसिपेट करते हैं जो कभी न कभी ब्रिटिश साम्राज्य के उपनिवेशिक क्षेत्र रहे हैं, वो सभी देश इसमें हिस्सा लेते हैं। लेकिन वर्तमान स्वरूप में देखेंगे तो इसकी सदस्य संख्या कम है, लेकिन इसमें जो सहभागी देश हैं वह ज्यादा है। आगे हम एक एक करके इसके बारे में चर्चा करेंगे, आपको हम बताएंगे। जो भी व्यूअर पहली बार इसको हमारे इस चैनल पे आए हुए हैं और हमारी ये वीडियो सीरीज अच्छी लग रही हो तो कृपया हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर ले, जिससे आपको और भी ऐसी जानकारियां मिलती रहें। तो आइए हम आज प्रारंभ करते हैं कॉमनवेल्थ गेम्स के बारे में। तो कॉमनवेल्थ गेम्स की शुरुआत 1930 ईस्वी में कनाडा के हैमिल्टन नामक नगर में पहली बार आयोजित की गई थी। इसको ब्रिटिश अंपायर खेल कहा गया। जो ब्रिटिश अंपायर खेल है यह 1954 तक प्रचलित रहा। इसके बाद 1958 में इसका नाम बदलकर राष्ट्रमंडल खेल कर दिया गया। अब इसकी शुरुआत कैसे होती है वो हम देख लेते हैं कि वर्ष 1928 में कनाडा के प्रमुख एथलीट बॉबी रॉबिसन को प्रथम राष्ट्रमंडल खेलों के आयोजन का भार सौंपा गया। चूंकि आपस में ब्रिटेन के जितने उपनिवेशिक क्षेत्र थे उन वहां की जनता के मन में इंग्लैंड के प्रति द्वेष था, इसी द्वेष को खत्म करने के लिए इस खेल का आयोजन मूल रूप से चालू किया गया। प्रथम राष्ट्रमंडल खेल 1930 में हैमिल्टन शहर ओंटारियो कनाडा में आयोजित किए गए थे। इसमें कुल 11 देशों के 400 खिलाड़ियों ने हिस्सा लिया था। विश्व में ओलंपिक खेलों के पश्चात राष्ट्रमंडल अथवा राष्ट्रकुल खेल का स्थान आता है। प्रत्येक 4 वर्ष के पश्चात इसका आयोजन किया जाता है। राष्ट्रमंडल खेलों का आयोजन प्रायः 2 ओलंपिक खेलों के मध्य किया जाता है, जिसे ओलंपिक वर्ष कहा जाता है। हमने ओलंपिक वाले लेक्चर में ओलंपिक वर्ष किसे कहा जाता है ये आपसे हमने डिस्कस किया था। राष्ट्रमंडल खेल में ऐसे देश सम्मिलित होते हैं जो ब्रिटिश के उपनिवेश रहे हों। 2001 में राष्ट्रमंडल खेलों द्वारा मानवता, समानता और नियत की 3 मान्यताओं को अपनाया गया, जो राष्ट्रमंडल खेलों का मुख्य ध्येय है या इंपॉर्टेंट है। आप इसको नोट डाउन भी कर लें, क्योंकि यहां से क्वेश्चन बन सकता है कि राष्ट्रमंडल खेलों का मुख्य उद्देश्य क्या है, तो है मानवता, समानता और नियति। ये कब अपनाया गया? तो 2001 में अपनाया गया। अगर इस तरीके से आपसे क्वेश्चन पूछा जाएगा तो आप इसका आसानी से आंसर दे सकते हैं। वर्तमान में राष्ट्रमंडल देशों की संख्या 53 है, लेकिन खेलों में 71 टीमें हिस्सा लेती हैं। राष्ट्रमंडल खेलों में भारत ने 1934 लंदन राष्ट्रमंडल खेलों में भाग लिया। 1950 और 1962 में भारत ने इन खेलों में भाग नहीं लिया। मतलब पहला जो राष्ट्रमंडल खेल हुआ था उसमें भारत ने भाग नहीं लिया था, दूसरे राष्ट्रमंडल खेलों में भाग लेना प्रारंभ किया और 1950 और 1962 के राष्ट्रमंडल खेलों में भारत ने भाग नहीं लिया था। शेष सभी राष्ट्रमंडल खेलों में भारत ने भाग लिया था।
1958 थोड़ा सा मिसप्रिंट हो गया, 1958 कार्डिफ लंदन खेलों में मिल्खा सिंह ने पहला स्वर्ण पदक प्राप्त किया था भारत की तरफ से। कृष्णा पुनिया राष्ट्रमंडल खेलों में भारत की तरफ से एथलेटिक्स से स्वर्ण पदक जीतने वाली पहला महिला एथलीट बनी, पुरुषों में मिल्खा सिंह और महिलाओं में कृष्णा पुनिया। राष्ट्रमंडल खेलों में भारत ने अभी तक कुल 181 स्वर्ण पदक, 175 रजत पदक और 148 कांस्य पदक सहित कुल 504 पदक जीते हैं। 21वें राष्ट्रमंडल खेल के बारे में हम बात करेंगे जो कि 2018 में प्रारंभ हुए, राष्ट्र जो कि जिसको गोल्ड कोस्ट के नाम से जाना जाता है। हम बात करेंगे 2018 के राष्ट्रमंडल खेलों के बारे में। 21वें राष्ट्रमंडल खेल गोल्ड कोस्ट क्वींसलैंड ऑस्ट्रेलिया में 4 अप्रैल से 15 अप्रैल 2018 तक आयोजित किए गए, माने ऑस्ट्रेलिया द्वारा पांचवी बार राष्ट्रमंडल खेलों का आयोजन किया गया। इसका उद्घाटन चार्ल्स के राजकुमार द्वारा, चार्ल्स जो वेल्स के राजकुमार हैं उनके द्वारा इसका उद्घाटन किया गया और जो समापन है वो राजकुमार फिलिप के द्वारा किया गया। 21वें राष्ट्रमंडल का जो थीम था वो था शेयर द ड्रीम। यहां से क्वेश्चन बनने की संभावनाएं हैं तो इसको इंपॉर्टेंट याद रखिएगा, काफी इंपॉर्टेंट है। इसका जो शुभंकर था वो बोरोबी कार्टून कैरेक्टर है, आप हमारे स्क्रीन में दिख भी रहा होगा बोरोबी, तो आप ये भी याद रखेंगे कि शुभंकर क्या था। शुभंकर से अक्सर क्वेश्चन पूछे जाते हैं। कुछ जानकारियां देख लेते हैं कि 2018 के गोल्ड कोस्ट राष्ट्रमंडल खेलों में कुछ इंपॉर्टेंट बातें थी उसको हम समझ लेते हैं। गोल्ड कोस्ट राष्ट्रमंडल खेल महासंघ के सर्वश्रेष्ठ खिलाड़ी का पुरस्कार न्यूजीलैंड के वेटलिफ्टर माने भारोत्तोलक डेविड लिटी को मिला। 105 किलोग्राम वर्ग में इन्होंने 403 किलोग्राम भार उठाकर स्वर्ण पदक जीता। आप सभी जानते हैं कि वेटलिफ्टिंग में वेट कैटेगरी होती है, उस वेट कैटेगरी के आधार पर ही ये पुरस्कार दिए जाते हैं कि उस वेट कैटेगरी में जो सिल्वर गोल्ड ब्रॉन्ज पाता है। 21वें राष्ट्रमंडल खेलों में भारतीय दल के कुल सदस्यों की संख्या 325 थी जिसमें 221 खिलाड़ी, 58 प्रशिक्षक, 17 डॉक्टर एवं फिजियो, 7 मैनेजर एवं 22 अन्य स्टाफ थे। भारतीय ओलंपिक संघ के संयुक्त सचिव विक्रम सिंह सिसोदिया भारतीय दल के दल प्रमुख थे। 21वें राष्ट्रमंडल खेल में भारत को पहला स्वर्ण पदक भारोत्तोलक मीराबाई चानू ने 58 किलोग्राम वर्ग में दिलाया। 21वें राष्ट्रमंडल खेल में हिना सिद्धू ने 25 मीटर पिस्टल शूटिंग में स्वर्ण एवं 10 मीटर पिस्टल में रजत पदक जीता। इनके नाम एक रिकॉर्ड भी है कि एक ही राष्ट्रमंडल खेलों में स्वर्ण और रजत पदक जीतने का कारनामा हिना ने दूसरी बार किया, पहली बार 2014 में, इसके बाद 2018 में इन्होंने किया। टेबल टेनिस में महिला एकल का स्वर्ण पदक मनिका बत्रा ने जीता जिनको 2020 में राजीव गांधी खेल रत्न पुरस्कार से नवाजित किया गया। भारत में सबसे बड़ा खेल पुरस्कार है राजीव गांधी, तो इसी स्वर्ण पदक के दम पर इन्होंने राजीव गांधी खेल रत्न पुरस्कार अर्जित किया।
भारत के लिए सबसे कम उम्र में स्वर्ण पदक जीतने का रिकॉर्ड मनु भाकर ने बनाया। 16 वर्ष की आयु में 10 मीटर पिस्टल का स्वर्ण पदक मनु भाकर ने जीता। हमने फोटोग्राफ्स भी लगा दिया है जिससे आपके मेमोरी को हिट करे, तो एग्जाम हॉल में आपसे इस तरीके का कोई भी क्वेश्चन गलत ना हो। दोस्तों, आपको अगर हमारी मेहनत अच्छी लग रही हो तो कृपया इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर करें, लाइक करें, सब्सक्राइब करें और हमारा सपोर्ट करते रहें। प्लीज फीडबैक भी दें। आगे बढ़ते हैं। बैडमिंटन महिला एकल का स्वर्ण एवं रजत पदक भारत ने जीता, जिसमें साइना नेहवाल ने स्वर्ण पदक एवं पीवी सिंधु ने रजत पदक जीता। एथलेटिक्स में नीरज चोपड़ा ने पुरुषों की जैवलिन थ्रो माने भाला फेंक में स्वर्ण पदक अर्जित किया। पैरा पावर लिफ्टिंग में सचिन चौधरी ने पुरुषों की हैवीवेट में कांस्य पदक जीता। अब ये क्वेश्चन पिछले पीएससी में पूछा गया था प्रीलिम्स में कि 21वें राष्ट्रमंडल खेलों में भारत को कौन सा स्थान मिला, तो भारत को तीसरा स्थान प्राप्त हुआ था जो गोल्ड कोस्ट ऑस्ट्रेलिया में 2018 में आयोजित किया गया था। अगला 2022 में आयोजित होगा, उसके पहले तक 2018 से ही क्वेश्चन पूछे जाएंगे। तो जिसमें पहला स्थान ऑस्ट्रेलिया का था, जिसमें 80 गोल्ड, 59 सिल्वर और 59 ब्रॉन्ज, मिलाकर कुल 198 मेडल ऑस्ट्रेलिया ने जीते। वहीं इंग्लैंड में 45 गोल्ड, 45 सिल्वर और 46 ब्रॉन्ज, मिला के कुल 136 मेडल जीते। भारत ने 26 गोल्ड, 20 सिल्वर और 20 ब्रॉन्ज, मिला के कुल 66 पदक जीते। चौथे स्थान पर कनाडा रहा, जो 15 गोल्ड के साथ, 40 सिल्वर और 27 ब्रॉन्ज के साथ कुल 82 मेडल अर्जित किए। पांचवें स्थान पर न्यूजीलैंड रहा, जो कि 15 गोल्ड, 16 सिल्वर और 15 ब्रॉन्ज के साथ कुल 46 पदक जीता। यह थी पदक तालिका। 22वां राष्ट्रमंडल खेल जो है 2022 में बर्मिंघम इंग्लैंड में प्रस्तावित है। चूंकि प्रस्तावित गेम्स भी कॉम्पिटेटिव एग्जाम में पूछ लिया जाता है, तो जो आप इसको ध्यान रखेंगे, चूंकि 22वां राष्ट्रमंडल खेल बर्मिंघम इंग्लैंड में 2022 में आयोजित होना है। तो दोस्तों, आपको हमारी यह वीडियो कैसी लगी, हमारी मेहनत आपको कैसी लगी, कृपया कमेंट करके अवश्य हमें बताएं और अपने मित्रों तक इसको अधिक से अधिक शेयर करें। हमारे चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें, कमेंट करें, बेल आइकन प्रेस करें, जिससे अगली वीडियो का नोटिफिकेशन सबसे पहले आप तक पहुंचे। बहुत बहुत धन्यवाद।